आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is given, the range of the function fx is equal to 3 mod sin x minus 2 mod cos x is. तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं। क्या है, fx is equal to 3 mod sin x, ठीक है, minus 2 mod cos x given है हमें। अब एक एक करके लेते हैं। पहला केस हम लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो x की साइन की या cos की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है 0, माइनस वन, और मैक्सिमम प्लस वन, मतलब लाई करती है माइनस वन से प्लस वन के बीच में। तो हम इसकी रेंज लेते हैं। तो फर्स्ट केस में एक्स की वैल्यू हम लेते हैं पाई बाई टू से जीरो के इक्वल। तो लिख सकते हैं एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें हमें मॉड है, मॉड का मतलब निगेटिव वैल्यू भी लेनी, पॉजिटिव। तो एक बार हम पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं, फिर हम निगेटिव के लिए लेंगे। एक बार जीरो से पाई बाई टू, एक बार हो जाएगा पाई से पाई बाई टू, मतलब माइनस वन वाली वैल्यू आ जाएगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए आप लिखेंगे थ्री साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स, ठीक है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैच एक्स विल बी इक्वल टू, साइन का कॉस होता है कॉस का साइन, थ्री कॉस एक्स, और कॉस का क्योंकि माइनस साइन एक्स होता है तो ये प्लस का टू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो। तो इससे एक चीज तो क्लियर है, एफ एक्स जो है मोनोटोनी इंक्रीज कर रहा है, इज मोनोटोन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है तो इसकी रेंज क्या बनेगी, इंक्रीजिंग का मतलब हो गया आप रेंज लिखेंगे कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज लेस देन थ्री बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू के हो जाएगा, ठीक है। वहां यहाँ पे जो थ्री वैल्यू आ रही है ये पाई बाई टू के लिए हो जाएगी, ये लिखेंगे आप एफ एक्स इज पाई बाई टू, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस जब वैल्यू लाई करेगी एक्स की, देखिए पाई से पाई बाई टू के, इस केस में क्या लिखेंगे, जो एफ एक्स हो जाएगा अब इट विल बी थ्री साइन एक्स, निगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेंगे, प्लस टू कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा थ्री कॉस एक्स, कॉस का माइनस होता है इसलिए माइनस का टू साइन एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी लेस देन जीरो। सो यू कैन से कि एफ एक्स जो है इज मोनोटोन डिक्रीजिंग, इस बार वैल्यू छोटी हो रही है इसकी, डिक्रीजिंग। तो जब डिक्रीजिंग है इसके लिए रेंज क्या हो जाएगी, e की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस टू और हो जाएगा स्मॉलर देन इक्वल्स टू थ्री, ये हो जाएगा फॉर दिस इज एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है एफ एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इस वाली वैल्यू के लिए जो एफ एक्स है वो पाई बाई टू के लिए हो जाएगा, और इस वाली वैल्यू के लिए एफ एक्स हो जाएगा पाई, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड केस आएगा इसका। थर्ड केस में इसे टोटल चार केस बनेंगे, जब x की वैल्यू लाई करेगी थ्री पाई बाई टू से और ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी पाई के लिए, तब एफ एक्स क्या बन जाएगा, अब हमारा साइन निगेटिव में जाएगा कॉस पॉजिटिव में, तो माइनस का थ्री साइन एक्स प्लस का टू कॉस एक्स। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री कॉस एक्स और यहाँ पे प्लस का टू साइन एक्स, तो लिख सकते हैं विच इज ग्रेटर देन जीरो। फिर यहाँ पे क्लियर है कि जो एफ एक्स है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है, इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। अब अगर ये इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स की वैल्यू है वो लाई करेगी ग्रेटर देन थ्री, लेस देन थ्री बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू, तो फिर लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू एफ एक्स के लिए हो जाएगी पाई के लिए, और ये लाई करेगी एफ एक्स पे थ्री पाई बाई टू पे, ठीक है। अब लास्ट चौथा केस ले लेते हैं, फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू लाई करेगी टू पाई से तो ग्रेटर है, स्मॉलर है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री पाई बाई टू है, ठीक है, ये लास्ट केस बनेगा। अब इस केस के लिए देखिए एफ एक्स दोनों निगेटिव हो जाएंगे लास्ट केस में, माइनस का थ्री साइन एक्स माइनस का टू कॉस एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एफ डैश एक्स इस बार क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस का टू साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा लेस देन जीरो। अब यहाँ पे भी जो एफ एक्स है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग है, इज मोनोटोन डिक्रीजिंग, क्लियरली दिख रहा है वैल्यू डिक्रीज होगी, तो
अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी एफ एक्स की, एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स की रेंज हो जाएगी लेस देन माइनस टू लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, जहां पे ये वाली हो जाएगी एफ एक्स ऑफ 2 पाई के लिए, ठीक है, और ये वाली हो जाएगी एफ एक्स फॉर 3π/2 के लिए। तो एज अ रिजल्ट अगर हम चारों को देखें, जो चार केस हमने बनाए थे उन चारों में पहला क्या था, ये रेंज आई थी हमारी, दूसरे केस में ये रेंज आई हमारी, थर्ड केस में ये रेंज आई है, और फोर्थ में ये। तो चारों केस से क्या रिजल्ट निकल रहा है, एज अ रिजल्ट वी कैन से द रेंज ऑफ एफ एक्स इज -2 से, तो दिस इज द आंसर। चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो इस बेस पे कह सकते हैं ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।